कोई कह रहा है कि वो जो है वो बात ये है, उनको 60 दिन का टाइम मिला था, 60 दिन उन्होंने 60 दिन में इस जेआईटी के जबरदस्त ऑफिसर ने पूरी कौम जिनको सलाम पेश कर रही है, वो ये आपका कोई धासू डैम था, ये कोई नंगेपुर था, ये कोई यहाँ पर वो कोई इनकी सुपरवे या मोटरवे थी जो बनती चली जा रही है साला साथ, भाई उनको 60 दिन का टाइम दिया था, उन्होंने अपना टाइम पूरा कर, इनको आदत नहीं है ना काम काम धंधा करने की वक्त पे, वो पावर ऑफ प्लान ये समझ रहे कि वो पावर वही ऑरेंज ऑरेंज है जो बनती चली जा रही है, बनती चली जा रही है, बनती चली, भाई वो जेएनटी का टाइम था, 60 दिनों का टाइम था, उन्होंने दिन रात लगा के काम पूरा करके दे दिया, जिस तरह से फर्शन ऑफिसर देते हैं, पर रसीदें ले ली और रसीदें ले ली है, साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगा दिए सारे, इनको मैं वही बात जो पहले कल भी की थी मैंने कि थोड़ी सी भी आज तय हो गया कि कोई शर्म नहीं होती, कोई हया नहीं होती, बैठे हुए फिर टीवी में बैठ के अभी वो जो इंसानी शक्ल पे चलता फिरता झूठ है इफाकदार नामी आदमी, वो अपनी आंखें के मैं खैरात देता था, मैं ये करता था वो करता था, मैं पता नहीं मेरी फाउंडेशन है, मैंने वो यतीम बच्चे पाले, ये किया वो किया फलाना, और आखिर में साहब सब कह रहे ये काम बताना नहीं चाहिए लोगों को, ये काम चुपके करना चाहिए, अच्छी वो गरीब आदमी वो भाई अपना पैसा दे दो, खैरात में दो, जकात में दो, यतीम बच्चों को दो, पब्लिक का पैसा वापस लाओ जी, और पब्लिक को पैसा उनका वापस करो, लोग अपना पैसा मांग रहे हैं, यानी आप देखिए ना ये ऐसे झूठे लोग हैं, यानी लोग कह रहे हैं हमारा पैसा वापस करो, ये और वजीर आजम पाकिस्तान, यानी मैं नवाज शरीफ साहब एक बड़े लीडर है, हमारे वजीर आजम है, यानी वो एक खलीजी रियासत में 10,000 रुपए में नौकरी कर रहे थे, 10,000 धर्म पे, यानी लख लख की लानत है हमारे ऊपर, मतलब मैं अपने ऊपर भेज रहा हूँ ये हमारे सारे लोगों पे नच रही अपने ऊपर, यानी हमारा वजीर आजम जो है वो 10,000 धर्म पे तनखा कर काम कर रहा था वहां पे, और ये जो इफादगार है ये जो 2002 में यहाँ से माफी वाफी मांग निकला मुशर्रफ साहब से, तो ये वहां पर जाके इसने एक अजीब और ही ड्रामा किया, वहां पे जाके एक कंपनी में वहां पे एक खलीजी रियासत में उनसे कहता है कि ये इफाकदार, ये मैं आपको एक खबर के दौरान बता रहा हूँ, उनसे कहता है कि मैं आपके पास ये ऐसा है कि मुझे आप सैलरी सर्टिफिकेट दे दिया करें, सिर्फ कि मैं इतनी तनख्वाह लेता हूँ, मुझे पैसे ना दिया करें, तो यानी सिर्फ सैलरी सर्टिफिकेट उनसे इसने कहा, उसको मुझे नहीं पता वो अभी इसके पास है कि नहीं, जो कहता ना मैंने इतने करोड़ कमाए मैंने इतने, तो उस वक्त इसने 2002-03 में मुझे नहीं पता फिर उसमें इसने क्या बात की थी कि पता नहीं मुझे ड्राइवर की जॉब दे दें, पता नहीं मुझे मैनेजर का दे दें, मुझे सैलरी सर्टिफिकेट में आगे जाके मुस्तकबिल में शो करूं कि पैसे मेरे पास आते रहे।